खबरों की शुरुआत रोहतक से करेंगे, जहां इनेलो के प्रधान महासचिव व कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। सवाल उठाए कि जो पार्टी अपने आप को ईमानदार बताती है वो जवाब दे कि कोयला घोटाले में जिस नवीन जिंदल पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अब वो कोहिनूर बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। इनको प्रदेश के हितों से कोई सरोकार नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होंगे और वो दावे के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो ना तो अब तक अपना संगठन बना सके और ना ही कांग्रेस किसी को एक को उम्मीदवार बना सके। जो लोकल लीडरशिप है हरियाणा की, जो अपने आप को धुरंधर नेता मानते हैं, उनकी हालत ऐसी पतली है कि वो एक दूसरे के लिए कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, वो कहता है आप चुनाव लड़ो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे चुनाव लड़ने। बात तो 10 सीट जीतने की करते थे और किसी एक के भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं खड़ा होकर के ये कह दे कि पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगा।